व्यूअर्स, आई एम नवाज कुतियार के कुकिंग चैनल और मैं हूँ अमना फाशिद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फालसे का शरबत बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सबसे पहले हमने फालसे धो लिए हैं और धोने के बाद इसे हम ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। हाफ के जी मैंने फालसे लिए हैं, इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे जितने में फालसे हमारे ग्राइंड हो जाए। बस फालसे जो हमारे अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, ये देखें, और सीड्स इनके तकरीबन सीड्स जो हैं अलग हो गए हैं और ये ना लिक्विड पेस्ट के फॉर्म में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी छन्नी लेंगे और उसके नीचे ये देखें एक एक्स्ट्रा बर्तन रख लेंगे और इसके अंदर इस मिक्सचर को हम डालकर और इसे छान लेंगे। अब हमने इसमें जो है फालसे का ये लिक्विड जो है डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे ऐसे एक बर्तन रखेंगे और इसके अंदर मज़ीद पानी को ऐड कर इसे अच्छे से छान लेंगे। ऐसे इसके नीचे ये सब निकलता आएगा और ये जो इसका ये छिलके और ये सब है ये अलग हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा जो है गुदे वाला पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा मोटी छन्नी से छान सकते हैं। और इस तरह से जो हमारे पास ये शरबत नीचे निकलेगा, इसको हम जो है शीरा डालकर और बाकी का फालसे का शरबत तैयार कर लेंगे। अच्छा, शीरे का ये है कि आप थोड़ी सी चीनी लें अपने एज अ रिक्वायर्ड, जैसे 1 किलो 2 किलो चीनी का आप शीरा बना के रख लें, क्योंकि शरबत वगैरह में मोस्टली ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जो है शुगर सिरप बना के रखा है, जैसे ही मेरा ये गाढ़ा गाढ़ा इसका शरबत निकलेगा पल्प वाला, मैं इसके अंदर पानी और शीरा ऐड कर फालसे का शरबत तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने गाढ़ा गाढ़ा जो है इसमें पानी डालकर और पल्प में शरबत बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पानी और चीनी डाल के जो शुगर सिरप बना के रखा है उसको ऐड कर दूंगी। इसके अंदर जो है बर्फ ऐड करेंगे और साथ ही इसमें फालसे का शरबत ऐड कर देंगे, और चाहे तो आप इसके अंदर काला नमक ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, और ये इसके अंदर भी हमने ऐड कर दिया, ये देखिए मज़ेदार फालसे का शरबत जो है वो तैयार है। ये हमारे पास समर का तोहफा है, आप भी बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।